आज हम जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम है अंबु बैग। अंबु बैग एक शॉर्ट फॉर्म है AMBU, जिसका लॉन्ग फॉर्म है एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बुलेटरी मतलब जिसे कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है और काफी हल्का है, छोटा सा है, इसे कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। मैनुअल मीन्स जिसे हाथ से करना होता है, इसके लिए आपको किसी इलेक्ट्रिसिटी की या फिर बैटरीज की जरूरत नहीं होती। ब्रीदिंग यूनिट मीन्स ये सांस देने के लिए उपयोग में आता है। तो इसका आविष्कार किया था हॉगर हेसी और हेनिन रूबन ने इन द ईयर 1953। तो अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा आविष्कार था। जब से ये इन्वेंट हुआ है तब से ये कई लोगों की जान बचा चुका है और आगे भी बचाता रहेगा। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक के द्वारा बनाया गया यूनिट है। इसकी जो बॉडी है ये सिलिकॉन से बनी हुई है। अब ये सिलिकॉन के इसकी बॉडी बनाने का फायदा ये हुआ कि ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग है। सेल्फ इन्फ्लेटिंग मीन्स अगर मैं इसे प्रेस करता हूं और रिलीज करता हूं तो ये अपने आप अपने वापस शेप में आ जाता है। इसके लिए कोई कांस्टेंट एयर सप्लाई या किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं होती। अगर हम देखें तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जहां से हम ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, दूसरा ये इसका अंबु का मेन पोर्शन बैग जिसमें हम इसे प्रेस करके आगे प्रेस करते हैं, और ये तीसरा पेशेंट यूनिट है। पेशेंट यूनिट जहां से आप पेशेंट को मास्क द्वारा या ईटी द्वारा इसे कनेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो ये एक अंबु बैग वॉल असेंबली है जो एयर या ऑक्सीजन को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन एंड में देखें तो ये एक ओपनिंग है जहां पे हम रिजर्वायर लगाते हैं। रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक ये कॉरिगेटेड ट्यूब और दूसरा ये बैग टाइप का जो है ये कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा जो ओपनिंग है यहां पे ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है। यहां पे ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। यहां पे अगर हम देखें तो एक ब्लू कलर का वॉल आपको दिखेगा। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेसिकली ये एक वॉल है। ये वॉल का क्या काम है, जब ये ऑक्सीजन और जो एयर ये यहां से सक करता है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा। जब आप प्रेस करोगे तो ये वॉल बंद हो जाएगा और इस बैग के अंदर की एयर या ऑक्सीजन वापस यहां से बाहर नहीं आएगा। तो ये वॉल का काम ये है, ये इसी डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक पॉप ऑफ वॉल है। इसका काम क्या है, अगर प्रेशर किसी कारण से बच्चे को ज्यादा देने में आ जाए तो ये ओपन हो जाएगा और बच्चे को ज्यादा प्रेशर से होने वाले नुकसान से बचाएगा। इसको पॉप ऑफ वॉल या सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए दिया जाता है। लेकिन कभी कभी अगर बच्चों के लंग्स अगर काफी स्टिफ है और आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो जस्ट आपको इसे दबा के रोटेट कर देना है और अभी ये क्लोज हो गया, आप इसे ज्यादा प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन ये किसी अनुभवी इंसान ने ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉप ऑफ वॉल बंद है और आपने ज्यादा प्रेशर से बच्चे को अगर बैगिंग कर दिया तो उसके फेफड़े फट भी सकते हैं, फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। इसको रिलीज करने के लिए फिर से रोटेट कर देना है और ये फिर से फंक्शनल हो जाएगा। इसे कहते हैं पॉप ऑफ वॉल। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एक वॉल दिखता है यहां पे। अगर मैं इसे प्रेस करूं तो ये फिश माउथ के जैसे ओपन होता है। इसका काम यह है कि जब मैं ये बैग दबा रहा हूं तो इसके अंदर की एयर केवल इस डायरेक्शन से पेशेंट की तरफ जाए, तो इस एंड से ये हवा पेशेंट की तरफ जाएगी और जब पेशेंट एक्सहेल करेगा तो ये वॉल बंद हो जाएगा और पेशेंट की एक्सहेल की हुई हवा यहां से बाहर वापस बैग में नहीं आएगी। तो एक्सहेल की हुई हवा फिर जाएगी कहां, वो इस एक्सपिरेटरी वॉल से बाहर आ जाएगी। तो हमने चार वॉल देखे, एक ये इनलेट वॉल है जो एयर या ऑक्सीजन को केवल बैग के अंदर प्रवाहित करता है, जब आप बैग को दबाते हैं तो ये बाहर नहीं जाता। दूसरा पॉप ऑफ वॉल,
जो कि एक सेफ्टी वॉल के जैसे काम करता है और ज्यादा प्रेशर से होने वाले नुकसान से पेशेंट को बचाता है। तीसरा है फिश माउथ वॉल, जो फ्लो को केवल पेशेंट की तरफ डायरेक्ट करता है, पेशेंट की एक्सहेल की हुई एयर को वापस बैग में आने से रोकता है। और चौथा है ये एक्सहेलेशन वॉल, जहां से पेशेंट की एक्सहेल की हुई एयर या सांस बाहर आती है। तो जैसे मैंने बताया, सेल्फ इन्फ्लेटिंग है, आपको कांस्टेंट बिना ऑक्सीजन का सोर्स भी अगर नहीं है तो भी आप इससे पेशेंट को इन्फ्लेट कर सकते हैं। यहां पे ऑक्सीजन अटैच होता है। तो आप बोलोगे कि फिर ये इसकी क्या जरूरत है, अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन इसको कनेक्ट किया जा सकता है तो फिर इसकी क्या जरूरत है, ये ओपनिंग किस लिए है? अगर ये ओपनिंग नहीं होती, समझ लीजिए मैं इसमें ऑक्सीजन लगा भी देता हूं, ऑक्सीजन शुरू है अभी, और मैं अगर ये ओपनिंग नहीं होता, इसको अगर क्लोज कर देता हूं, तो ये बैग काम नहीं करेगी। ये काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करेगी। इसलिए ये इसे दो तरह की ओपनिंग दी हुई है, एक से ऑक्सीजन कनेक्ट होता है और दूसरे से पेशेंट और दूसरे से एटमोस्फियर एयर यहां पे एंटर होती है। तो अगर मैं सिर्फ बिना ऑक्सीजन सोर्स या बिना किसी सोर्स के अगर बच्चे को इससे अम्बू कर रहा हो, तो मैं सिर्फ बच्चे को रूम एयर पे वेंटिलेट कर रहा हूं और रूम एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। अभी अगर मैं इसमें ऑक्सीजन लगा देता हूं तो ऑक्सीजन यहां से फ्लो होगी, यहां पे कलेक्ट होगी इस चेंबर में, और यहां से फिर वो बाहर आ जाएगी। कुछ ऑक्सीजन अंदर जाएगा और बाकी बचा हुआ यहां से बाहर आ जाएगा इस चेंबर में कलेक्ट होने के बावजूद। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे प्रेस करूंगा और रिलीज करूंगा, जब मैं रिलीज करूंगी, यहां से तो ऑक्सीजन जा रहा है लेकिन यहां से एयर एंटर हो जाएगी और एयर और ऑक्सीजन मिक्स होके ज्यादा से ज्यादा 40% ही पेशेंट को ऑक्सीजन मिल पाएगा। FiO2 उसका सिर्फ 40% होगा। यदि मैं इसे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं रिजर्वायर, तो आप देखेंगे धीरे 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 ये जो रिजर्वायर है ये फूलने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर का ऑक्सीजन इसमें कलेक्ट होके बैग के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो यहां से भी ऑक्सीजन आएगा और यहां से भी ऑक्सीजन आएगा। तो आप इससे ऑक्सीजन और रिजर्वायर के साथ अगर पेशेंट को अम्बू करते हैं तो आप 100% तक पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये फायदा है रिजर्वायर यूज करने का। जैसे मैंने बताया, रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक तो बैग टाइप का और दूसरा ये कॉरुगेटेड ट्यूब होती है, जो कि पेशेंट को ये एंड पे रिजर्वायर एंड पे लगाई जा सकती है। जब भी आप ये बैग टाइप का रिजर्वायर यूज करें तो उसे डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट ना करें, क्योंकि यदि आपका ऑक्सीजन सोर्स कम है तो ये फूल तो रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का खत्म हो जाएगा और जिस तरीके से आपका अम्बू बैग काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए इसे हमेशा इसके इस वॉल के साथ यूज करें। ये वॉल यहां पे दिया हुआ है, अगर यहां का फ्लो कम पड़ रहा है तो ये यहां से सक कर लेगा और आपका अम्बू का काम बराबर चलता रहेगा, वो अम्बू बराबर से फंक्शन कर सकेगी। तो हमने देखा कि अगर हम बिना ऑक्सीजन और बिना किसी सपोर्ट के अगर अम्बू करते हैं तो सिर्फ 21% ऑक्सीजन देते हैं, अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में अम्बू करते हैं तो हम 40% ऑक्सीजन देते हैं, और यदि हम ऑक्सीजन और रिजर्वायर के साथ अम्बू करते हैं तो हम 100% तक ऑक्सीजन बच्चे को दे सकते हैं। तो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। ये अम्बू बैग कई साइजेस में आती है, मेरे हाथ में जो ये है ये 500ml की पीडियाट्रिक अम्बू बैग है, इसके अलावा ये 250ml की है, जो बहुत ही प्रीमैच्योर बेबीज है उनके लिए ये यूज होती है। बहुत से जो बड़े बच्चों के लिए हम 750ml या 1 लीटर की बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए इसके सारे पार्ट्स आप निकाल सकते हैं, अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड था या किसी कारण से उसको ब्लीड था और सारा ब्लड इसके अंदर आ जाता है, तो आप इसे यहां से ऐसे ओपन करके वॉश कर सकते हैं सोप और वाटर के साथ। इसके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं यहां से, और यहां से भी इसको आप वाटर से अच्छे से धो सकते हैं। उसके अलावा
आप इसको साइडेक्स में डुबा के रख सकते हैं और इसको ईटीओ भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें इसकी डिसेंबल करके आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। बहुत बार सिक्रीशंस यहां पे जमा हो जाते हैं, तो इसको हटा के उसे निकाल के क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसको आप ईटीओ भी कर सकते हैं। ऑटोक्लेव इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिलिकॉन का है, वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से ये सदी के सबसे महान इन्वेंशन में से एक मैं समझता हूं है, और इसने कई लोगों की जान बचाई है।